मैं इधर एक क्लास बना रहा हूँ। ये तो हमारे पास है, ये सैक्स डेमो के नाम से मैंने क्लास बनाई, इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है। ठीक है, एक क्लास हम और बनाने लगे, न्यू जावा क्लास, और इसका नाम हम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल सैक्स क्लास। ये हमारे पास जो क्लास है, इसके अंदर आपने इस क्लास को एक्सटेंड कराना है डिफॉल्ट हैंडलर के। हैंडलर ठीक है, इसको आपने एक्सटेंड कराना है डिफॉल्ट हैंडलर के साथ। ये बेसिक आपकी क्लास है जो सेक्स पार्सर बनाते वक्त डिफॉल्ट हैंडलर की क्लास जो है यूज हो रही होती है। और ये जो आपके पास पार्सर है, ये किस तरह से वर्क करता है, जो आपने डॉम को हमने पहले पढ़ा था, डॉम को हमने कहा था कि वो एक ट्री फॉर्मेट में होता है, ट्री स्ट्रक्चर में होता है, और आप उसको ट्रेवर्स कर रहे होते हैं, उसे कुछ हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमने देखी थी। इसी तरह से इसकी भी है, आप लोग इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेना, इन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप नेट के ऊपर सर्च कर लेना। ठीक है, ये बहरहाल आपके पास जो पार्सर है, ये एक इवेंट बेस्ड पार्सर है। इवेंट बेस्ड, वो ट्री बेस्ड था, ये इवेंट बेस्ड है। इसमें जो भी डिफरेंट इवेंट्स हुए, वो इवेंट्स जब ट्रिगर होंगे तो उन इवेंट्स के पीछे आप अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं। अब आपने और इवेंट से पीछे कोडिंग कैसे करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट हैंडलर से अपनी इस क्लास को एक्सटेंड कराया। और एक्सटेंड कराने के बाद अब आपने यहाँ पर कुछ अन इम्प्लीमेंटेड मैथड्स जो हैं उनको आपने इधर इम्प्लीमेंट करना। वो करने के लिए आप इधर राइट क्लिक करें अपनी IDE के अंदर और इंसर्ट में आ जाए जी। इंसर्ट कोड, क्या कोड इंसर्ट करना है, हमने ओवरराइड मेथड्स आपने करने हैं। ओवरराइड मेथड, यहाँ पे कुछ मेथड्स की लिस्ट आ गई आपके सामने। हमने जो जो मेथड्स यहाँ पर ओवरराइड करने हैं, उनमें एक तो पहला कैरेक्टर्स का मेथड है, कैरेक्टर्स एंड डॉक्यूमेंट एंड एलिमेंट और स्टार डॉक्यूमेंट और स्टार एलिमेंट, ये पांच हमारे पास इवेंट्स हैं या मेथड्स हैं जिनको आपने ओवरराइड करना है। थोड़ी थोड़े से मैं आपको इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको देता जाता हूँ। स्टार्ट डॉक्यूमेंट, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, क्या ये जब ये डॉक्यूमेंट की पार्सिंग स्टार्ट करेगा तो ये वाला इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टार्ट डॉक्यूमेंट का। उसके बाद स्टार्ट डॉक्यूमेंट के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर वो स्टार्ट करेगा एलिमेंट को, जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो स्टार्ट एलिमेंट का इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, वो स्टार्ट एलिमेंट वाले मेथड में आ जाएगा। जब उस एलिमेंट को वो रीड कर रहा होगा तो जो उसका डाटा है, उसको डाटा को रीड करने के लिए करेक्टर्स का एक मेथड है, ये करेक्टर्स का मेथड ये ट्रिगर हो जाएगा। जब रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एंड एलिमेंट का मेथड ट्रिगर हो जाएगा, भी एक एलिमेंट का डाटा उसने रीड कर लिया, फिर अगला एलिमेंट शुरू हो जाएगा तो अगले एलिमेंट का स्टार्ट एलिमेंट मेथड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। फिर जब उसका डाटा रीड करना शुरू करेगा तो उसके करेक्टर्स का मेथड जो है वो इन्वोक हो जाएगा। फिर जब उसके सारे करेक्टर्स पूरे हो जाएंगे तो एलिमेंट एंड हो जाएगा। इस तरह से वन बाय वन एक एक एलिमेंट को वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एंड डॉक्यूमेंट का इवेंट ट्रिगर होगा, और एंड डॉक्यूमेंट का मेथड जो है वो इन्वोक होगा, और उसके अंदर फिर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर रहा हूँ इन पांच मेथड्स को, और उसके बाद आप जनरेट पे क्लिक करें। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो काफी सारा कोड जो है ये हमारा ऑटो जनरेट हो गया। इसके अंदर ये जो सुपर को कॉल कर रहा है, इसको मैं इधर से सबका कमेंट कर देता हूँ, मुझे इस सुपर को ऐसा चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही मेथड्स हैं जिनके मुताबिक मैं भी आपको बता रहा था। ये मेथड आ रहा है जी स्टार डॉक्यूमेंट। ये सारे के सारे मेथड जितने भी हैं, ये सब के सब एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, सेक्स एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। ठीक, मैं इस मेथड में, ये स्टार्ट डॉक्यूमेंट का मेथड है ना, इस मेथड में जाके जस्ट मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ। आप जो काम करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ यस ये एक मैसेज लिख रहा हूँ, एस आउट XML डॉक्यूमेंट स्टार्टेड, मैंने एक मैसेज लिख दिया। जैसे ही डॉक्यूमेंट को वो पार्सिंग शुरू करेगा, उसका ये स्टार्ट डॉक्यूमेंट इवेंट ट्रिगर हो जाएगा और वो इस मेथड में आ जाएगा।
उसके बाद हमने बात की थी एंड डॉक्यूमेंट की, ये कब ट्रिगर होगा, जब पार्सिंग कंप्लीट हो जाएगी एक्सएमएल फाइल की, तो एंड डॉक्यूमेंट का इवेंट ट्रिगर होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं एस आउट एक्सएमएल डॉक एंड इट का मैंने एक मैसेज दे दिया। उसके बाद आ रहा है स्टार्ट एलिमेंट, स्टार्ट एलिमेंट मैं यहां पर, अब आप इसको ओवरराइड करके आप जो भी काम करना चाहें वो अपने मकसद के लिए आप कर सकते हैं। मैं सपोज मैं ये प्रिंट कराना चाह रहा हूं कि इस टाइम ये कौन से एलिमेंट को रीड कर रहा है, मैं उस एलिमेंट का नाम प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो यहां पे मैं सिस्टम डॉट आउट के ऊपर जाके यहां पर मैं प्रिंट कराऊंगा क्यू नेम को। ये क्यू नेम इसका एक आर्ग्यूमेंट है, क्यू नेम आपको उस पैरामीटर का सॉरी उस एलिमेंट का नेम रिटर्न कर देता है जिस एलिमेंट को इसने रीड करना आप शुरू किया। क्योंकि XML के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, एक रूट नोड होता है, रूट एलिमेंट होता है, उसके अंदर फिर चाइल्ड एलिमेंट्स जो है वो आ रहे होते हैं, तो जिस एलिमेंट को ये रीड करना शुरू करेगा उसका नाम प्रिंट कर देगा। तो क्यू नेम से आपको बेसिकली उस एलिमेंट का नाम मिल रहा होता है। फिर आप आ जाते हैं एंड एलिमेंट के ऊपर, मैं चाहता हूं कि उसको बता दे कि ये वाला एलिमेंट जो है उसको रीड करना उसने एंड कर दिया। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग में प्रिंट करा रहा हूँ स्टार्ट रीडिंग, और इस एलिमेंट को उसने स्टार्ट किया, और ऐसा ही मैं एक स्टेटमेंट में प्रिंट करा देता हूं एंड के ऊपर। यहां मैं कहता हूं कि एंड एंड रीडिंग क्यू नेम, इधर भी क्यू नेम है, क्यू नेम का जो आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली आपको एलिमेंट का नेम रिटर्न कर रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास ये वाला जो मेथड है कैरेक्टर्स का मेथड। ये मैंने आपको बताया कि ये कब एग्जीक्यूट होता है मेथड, ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, जब उस एलिमेंट का डाटा रीड करेगा, ये एलिमेंट का डाटा। ठीक है, एलिमेंट्स के बीच में हमने डाटा दिया हुआ होता है ना, उस डाटा को जब रीड करेगा तो ये कैरेक्टर्स का मेथड जो है वो इन्वोक होगा। मैं उसके डाटा को प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा, यहां पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के ऊपर जाके मैं उसे प्रिंट कराता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख रहा हूं डाटा इक्वल्स टू, और आगे मैं उसको कंकेटिनेट कर रहा हूं। अब ये जो डाटा वहां से रिटर्न होगा, एक तो वो कैरेक्टर एरे की फॉर्म में है, स्टार्ट और उसकी लेंथ, ठीक है, उसके स्टार्टिंग लोकेशन और उसकी टोटल जो लेंथ है वो आपको यहां से मिल रही है। इन सबको यूज करते हुए हम यहां पर एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और मैं कहता हूं सी एच स्टार्ट और लेंथ, इन आर्ग्यूमेंट्स को लेके एक न्यू स्ट्रिंग बनाओ और उसको डेटा इक्वल्स टू के साथ आगे जो है वो प्रिंट करो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा हमने काम किया, और हमने हर मेथड के अंदर एक छोटी छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो हमने इधर प्रिंट करवा दी। अब हमने इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना, ये तो हमारी क्लास बन गई, अब हम इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो डेमो है, इस डेमो क्लास के अंदर आप यहां पर ट्राई कैच ब्लॉक लगा लें। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जैसे हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को जब हम यूज कर रहे थे डॉम को, तो हमने उसके लिए एक सबसे पहले कौन सा क्लास हमने यूज की थी, फैक्ट्री वाली, याद है ना, क्या नाम था उसका, डॉक्यूमेंट बिल्डर फैक्ट्री। उसी तरह से यहां पर अब आप यूज करेंगे सेक्स बिल्डर फैक्ट्री, एस बी एफ इक्वल्स टू Thank you.
सैक्स बिल्डर फैक्ट्री सैक्स पार्सर फैक्ट्री को यहां पर आप यूज करेंगे SPF, मैं उसका नाम रख रहा हूं। और यहां पर भी आपने सैक्स पार्सर फैक्ट्री डॉट न्यू इंस्टेंस को आपने जो है वो कॉल करना, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लास में आपने यूज करनी है वो सेक्स पार्सर की है। इक्वल्स टू SPF डॉट न्यू सेक्स पार्सर, इसके ऊपर पैकेज इंक्लूड कराते हैं। और ये जो हमने पार्सर जो हमने बनाया है, इस पार्सर का पार्स मेथड यूज करते हुए आप अपनी किसी XML फाइल को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पार्सर बनाया SP के नाम का, SP.parse। अच्छा, अगर हमने इसका पार्स मेथड कॉल करना है तो इसका जरा देखो, फर्स्ट अगर आप इसका देखेंगे जो मेथड है पार्स, ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक फाइल F और दूसरा डिफॉल्ट हैंडलर DH। हमने अभी पीछे जो क्लास बनाई थी, ये सैक्स क्लास तो हमने बनाई थी, इसको हमने एक्सटेंड करवाया था डिफॉल्ट हैंडलर के साथ, ठीक है। अब हमने उसका ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट कर, अब देखो मैं यहां पर पार्स का मेथड यूज कर रहा हूं और इधर जो फाइल मेरी बनी पड़ी है डी के ऊपर d:// और उसका नाम था हमारे पास आई थिंक data.xml
देख लेते हैं जी, डाटा डॉट एक्सएमएल यही फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। एक तो स्पेसेस वगैरह जो है उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। ये डाटा डॉट एक्सएमएल है हमारे पास, और यहां पर हमने क्या मेंशन करना है, डिफॉल्ट हैंडलर, जिसका ऑब्जेक्ट, जिसकी क्लास मैंने अभी एक इंप्लीमेंट कराई है, तो फिर यहां पर मैं उसका ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा न्यू सेक्स क्लास और उसका मेथड कंस्ट्रक्टर हम उसका यूज कर। इस ड्राइवर क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके अंदर बस जस्ट हमारे पास यही तीन लाइन का कोड होगा। अदर देन इट आपके पास कुछ पैकेजेस होंगे, उन पैकेजेस को आपने जो इंपोर्ट करा लेना, और पार्सर को ही आप इंपोर्ट करा लेंगे एक दफा, एग्जाम्पल डॉट पार्सर्स डॉट स्टैटिक, तो आपको दो पैकेजेस अलग अलग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, सेक्स पार्सर फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको यूज करते हुए हमने एक सेक्स पार्सर का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस पार्सर के पार्स मेथड को यूज करते हुए हमने एक XML फाइल उसको पास कर दी है, और साथ ही जो क्लास अभी हमने यहां पर बनाई थी, जिसके जिसको हमने एक्सटेंड करवाया था डिफॉल्ट हैंडलर के साथ, उसका हमने वहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट को जो है वो हम यूज कर रहे हैं। इस कोड को हम अपना रन करते हैं। अच्छा, इस कोड को जरा थोड़ा सा, ये जो आउटपुट आ रही है उसको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो सबसे पहले देखें आपके पास एक मैसेज लिखा रहा है XML डॉक्यूमेंट स्टार्टेड, XML डॉक्यूमेंट स्टार्टेड। ये क्यों लिखा आया, क्योंकि हमने वहां पर ओवरराइड किया था स्टार्ट डॉक्यूमेंट के मेथड को, स्टार्ट डॉक्यूमेंट के मेथड को, और उसके बाद लिखा आ रहा है स्टार्ट रीडिंग ईएमपी उसका एलिमेंट है। ये मैंने कोड कहां लिखवाया था, ये मैंने कोड लिखवाया था स्टार्ट एलिमेंट में, स्टार्ट एलिमेंट के अंदर। जरा देखें इन दोनों, चलो इन दोनों चीज लाइंस को अगर आप जरा ध्यान में रखें, XML डॉक्यूमेंट स्टार्टेड और स्टार्ट रीडिंग, और आगे नोड का नेम आ रहा है, तो ये काम मैंने यहां पर किया था स्टार्ट डॉक्यूमेंट के अंदर XML डॉक्यूमेंट स्टार्टेड, और जहां पे नोड हमारा स्टार्ट हो रहा था स्टार्ट एलिमेंट के अंदर, वहां पे हमने किया था स्टार्ट रीडिंग और आगे क्यू नेम। यहां पर अब आप जो भी इधर लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टार्ट रीडिंग, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर ए आई सी। चलो अब आप ये देख रहे हो कि एलिमेंट से पहले ये चीज लिखी आ रही होगी, जहां पे हमारा एलिमेंट स्टार्ट होगा स्टार्ट रीडिंग फॉर ए आई सी, और उसके बाद फिर आगे आपके पास एलिमेंट का नेम आ रहा है स्टार्ट रीडिंग फॉर ए आई सी, और आगे ई एम पी एलिमेंट आ जाएगा। फिर आगे डाटा, यहाँ पर स्पेस थी तो उसका 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 डाटा नहीं आया कुछ, उसके बाद स्टार्ट रीडिंग ई एम पी नंबर, ये उसका डाटा आ गया 101, और ये एंड उसका रीडिंग हो गया, वो एक नोड हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इस एग्जाम्पल फाइल को भी अगर आपने सामने रख लें तो चीज समझना और आसान हो जाएगी। ये देखिए जरा, ज़ूम में इंक्रीज कर देता हूं। तो पहला जो ये वाला, अगर आप यहां पे देखें स्टार्ट रीडिंग फॉर ए आई सी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, उसने एम्प्लॉय नंबर को रीड किया, और उसके बाद डाटा उसने रीड किया 101, उसके बाद एंड रीडिंग ई एम पी नंबर, ये उसका एंड हो गया, ये नोड उसका एलिमेंट एंड हो गया, और उसके बाद स्पेस नोड आ रहा है तो उसने डाटा जो है वो स्पेस दे दिया इक्वल्स टू स्पेस। स्टार्ट रीडिंग फॉर ए आई सी ई एम पी नेम, ई एम पी नेम का नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, उसने उसको रीड करना शुरू किया, उसका डाटा आ गया अहमद उसने प्रिंट कराया, और एंड रीडिंग ई एम पी नेम, और ई एम पी नेम का जो है वो एंड हो गया। इस तरह से वन बाय वन उसने एक एक जो है वो एलिमेंट के कंटेंट्स को, उसके डाटा को जो है उसने रीड कर लेना है, और आगे फिर आप उसके ऊपर जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक, ये इवेंट बेस्ड है जी, और वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर था, बाकी कुछ थोड़े से इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आप लोग जो है वो देख लेंगे, कुछ तो साथ क्लियर हो भी गए, और बाकियों का जो है वो आप मजीद